अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको आसान ट्रिक बताने जा रही हूँ GRE के 4000 वर्ड्स याद करने के। मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी जर्नी मैंने किस तरह से याद किए थे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। आई नो कोई ज़्यादा फैंसी वीडियो नहीं है, लेकिन आपको बहुत ही यूज़फुल टिप्स मिलेंगे। चलें जी, हम निकालते हैं अपना खजाना वोकेबुलरी का, और इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। काफ़ी ज़्यादा चिट्स हैं मेरे पास। यहाँ पे भी हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे सिर्फ खुद ही दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये सारा मिसअप हुआ पड़ा है क्योंकि मैंने सीक्वेंस वाइज नहीं रखी है, लेकिन आप जब भी चिट्स बनाएं तो सीक्वेंस वाइज रखें। ए के वर्ड्स अलग करके रखें, बी के अलग करके रखें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आपने करना क्या है। बेसिकली अगर आपके पास GRE की बुक है तो वेल एंड गुड, उसमें से आपने वोकेबलरी देखनी है। उसमें अलग से पूरी वोकेबलरी की सीरीज़ आती है। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो बुक कौन सी है। ये GRE की बुक होती है, बिग बुक के नाम से होती है। कुछ पुरानी एडिशन्स हैं, अब न्यू एडिशन्स हैं, तो आपके पास जो भी है आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं, तो आजकल इंटरनेट से, गूगल से कोई इशू नहीं है, आपको पूरी लिस्ट वोकेबलरी की मिल जाएगी। आपने क्या करना है कि GRE वोकेबलरी टाइप करना है गूगल पे, और आपने सर्च कर लेना है, आपको पूरे वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से आपको अब GRE वोकेबलरी आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको सारे उसके GRE के वर्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक यूज़फुल ट्रिक यूज़ की थी, वो मैं आपको बताने जा रही हूं। लेकिन वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको बता दूं कि आपने हार्ड वर्क करना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमें ऐसे का शॉर्टकट बताइए, हमें वोकेबलरी याद करने का शॉर्टकट। शॉर्टकट कोई नहीं होता, आपको मेहनत करनी है। जैसे कहा जाता है ना कि कामयाब होने के लिए आपको अनथक मेहनत करनी है, इसी तरह से अगर आप अच्छी जॉब चाहते हैं या आप फॉरेन स्कॉलरशिप चाहते हैं, और उसके लिए आपने GRE देनी है, तो उसके लिए आपको दिन रात आप थक जाएं, आप एग्जॉस्ट हो जाएं, बिना क्विट किए आपने मेहनत करनी है, स्टडी करनी है। शॉर्टकट कोई नहीं होता, लेकिन ट्रिक्स होते हैं जिससे आपकी आपको इजी वे होता है मेमोराइज़ करने का, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा जी, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने जा रही हूँ, लेकिन आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है आप वैसे करें। मुझे पर्सनली ये लगता है कि पहले एक अल्फ़ाबेट को चूज़ करके उसके सारे वर्ड्स याद कर लें, उसके बाद दूसरे अल्फ़ाबेट पे आएँ, बी पे आएँ, इसी तरह से सी पे आएँ, मतलब इसी तरह से ए टू जेड आप वर्ड्स मेमोराइज़ करते जाएं। अब क्या करना है, जैसे आपने पहले ए चूज़ किया तो ए के 5 वर्ड्स एक दिन में ले लिए। अब आपके वो टाइम पे डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है, 10 भी कर सकते हैं। मैंने 10 चूज़ किए थे। अब एक वर्ड लिया आपने, उसकी मीनिंग पढ़ी, यूट्यूब पे आप या गूगल पे उसका निमोनिक भी सर्च कर लें, आप खुद ही भी बना सकते हैं निमोनिक अपने दिमाग से। आपने वो मेमोराइज़ किया, वो 5 दफ़ा 10 दफ़ा वर्ड लिखें, बार बार रिपीट करें, उसके 5 दफ़ा सेंटेंस बनाएंगे तो वो आपको वर्ड अच्छी तरह से याद होगा। उसके बाद आप अपनी फैमिली में से कोई भी है, आजकल तो AI भी है, बार बार उसे बताएं। अगर कोई घर में नहीं सुनना पसंद कर रहा तो AI में जाकर, चैट में जाकर, वॉइस मैसेज में बार बार उसे वर्ड बताएं, या घर में ऐसे ही आप जब काम कर रहे होते हैं तो सेंटेंसेस में वो वर्ड यूज़ करें, 10 बार करें, डेली बेसिस पे करें। ठीक है, जब आप वर्ड की मीनिंग देखते हैं तो उसके साथ सेंटेंस भी देख लिया करें, ताकि वो वर्ड यूज़ किस तरह से हो रहा है। एक वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी डिफरेंट वे से भी यूज़ होता है, तो आप उस वर्ड की मीनिंग देखें, सेंटेंसेस बनाएं, बार बार रिपीट करें। और बेस्ट वे ये है कि आप चिट बना लें। अब आपने चिट बना ली, जैसे ये क्विक की चिट है, तो मैंने यहाँ पे साथ ही मीनिंग लिख ली है। ठीक है,
और कोई अगर सेंटेंस एक चिट में सेंटेंस पूरा नहीं आ रहा तो आप फ्रेज बना लें, ठीक है? वो चिट आपने सामने लगा देनी है अपने रूम में, जहाँ भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम गुजरता है, फिर वो चाहे स्टडी रूम हो आपका, स्टडी टेबल हो, उसके सामने बेहतर होगा कि आप अपने रूम में लगा लें, ताकि जब सुबह उठें तो वो वर्ड्स आप देखें मुंह धोने से पहले भी, और रात को सोते वक्त वो वर्ड्स रिवाइज कर दें। पहले आपने टारगेट रखना है एक अल्फ़ाबेट का, वो सारे लगा देने हैं दीवार पे, और डेली बेसिस पे 10 करने। जब आपने पहले फर्स्ट डे पे 10 किए, उसके बाद आप दूसरे दिन पे 10 करें, लेकिन वो पिछले वाले रिवाइज करें। उसके बाद तीसरे दिन पे 10 किए, आप वो 10 करें, लेकिन जो पीछे आप 20 करके आए हैं 20 वर्ड्स, वो रिवाइज करें। और फिर साथ साथ सारे वर्ड्स ही डेली, जो भी आप काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि सेंटेंसेस में अगर कोई आपकी नहीं सुन रहा है तो आप खुद ही ज़बरदस्ती भी किसी को सुना दें। अगर वो भी नहीं चल रहा तो आप अपनी तरफ से ही खुद ही फ्री बैठे हुए हैं या आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, खुद ही अपनी तरफ से दिमाग में उन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाते जाएं। अच्छा जी, टिप टू ये है कि आप टाइम डेडिकेट करें एक अल्फ़ाबेट को। अगर आप ए के वर्ड से स्टार्ट करें, आप देखें वर्ड्स कितने हैं GRE में, तो उस हिसाब से आप डेडिकेट करें कि आपको डे में 5 करने हैं या 10 करने हैं, और कितने डेज में कवर करने हैं। उतने डेज तक आप पहले सबकी जो चिट्स हैं वो पूरे एक अल्फ़ाबेट के वर्ड्स की बना लें, वो दीवार में लगा लें या स्टडी टेबल के सामने लगा लें। वो फिर आप जितने भी दिन डेडिकेट कर रहे हैं, 10 दिन कर रहे हैं, 1 महीना कर रहे हैं, 20 दिन कर रहे हैं, वो उस दीवार पर लगे हों। और फिर अगर आप बी स्टार्ट कर रहे हैं तो बी के लगा लें पहले से ही। और जो मैं बता रही हूँ कि आप 10 डेली मीनिंग के साथ सेंटेंस के साथ पढ़ें, वो तो आप कंटिन्यूस करें कि सेंटेंसेस भी साथ बनाएं, और सोते वक्त, खाते वक्त, हर वक्त है ना, आप मतलब कोई आपकी अम्मी है, भाई है, किसी को भी सुनाते जाएं वो वर्ड्स, बार बार रिपीट करें, तो आपको अच्छे तरह से वो मेमोराइज हो जाएंगे। यू कैन सी कि मेरी चिट्स में भी टेप्स लगे हुए हैं, मैंने दीवार पे ही लगा ली थी, और सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे, नाइट के टाइम पे, मैं बार बार जब वो, अगर मैं एल अल्फ़ाबेट के वर्ड्स याद कर रही हूँ तो बार बार वो देख रही थी। और ऐसा नहीं कि एक अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाए तो आप उसे छोड़ ही दें, वो फिर आप उसे एक टाइम डेडिकेट कर लें वीक का, एक दिन या 2 दिन, कि आप पिछले जो अल्फ़ाबेट के वर्ड्स करके आए हैं वो उसी दिन आपने सिर्फ वो रिवाइज़ करने हैं। अगर ए कंप्लीट कर लिया है तो आपने मसलन सैटरडे का टाइम डेडिकेट कर लिया उसके लिए, तो सैटरडे को दोबारा हर हफ्ते वो रिवाइज़ करें। इसी तरह से आपके बी के कंप्लीट हो गए तो ए के साथ बी के भी रिवाइज़ करें। अच्छा, निमोनिक आपने किस तरह से क्रिएट करने हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मिटिकेट होता है, कोई चीज़ कम करना, रिमूव करना, ठीक है? मिटिकेट मैंने इस तरह से किया था कि मिट्टी को मट्टी कंसीडर किया, गेट को गेट कंसीडर किया, गेट से मट्टी हटाना, तो मतलब इस तरह से आपने निमोनिक खुद ही क्रिएट करने हैं, या यूट्यूब पे भी आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं निमोनिक। और जैसे एक्स्ट्रा पेट होता है एक वर्ड, तो एक्स्ट्रा पेट का ये है कि अगर आप बेली के लिए पेट वर्ड यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, और फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेट निकालना, उस मतलब एक रिमूव, उसकी मीनिंग होती है रिमूवल, कोई अनवांटेड चीज़ रिमूव करना। तो इस तरह से आपने निमोनिक खुद भी क्रिएट करने, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा एक ट्रिक ये भी है कि आपने चिट्स एक तो ये बना लें जो दीवार पे आप स्टिक कर सकें, सामने पढ़ सकें। दूसरा, आप फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स किस तरह से, आपने वर्ड लिखा एक्स्ट्रा पेशन यहाँ पे, उसकी मीनिंग आपने यहाँ पे लिखी, ठीक है? आपने मीनिंग यहाँ पे लिखी, जो भी 3-4 मीनिंग्स हैं यहाँ पे लिखी हैं, वो आप वॉक करते वक्त या आप फ्री बैठे हुए हैं तो वो फ्लैश कार्ड्स लेकर आप वर्ड पढ़ें और फिर मीनिंग पढ़ें, फिर अगर आपको याद है तो पहले वर्ड पढ़ें और देखें कि खुद ही अपने आप को सुनाएं वो मीनिंग, आप फिर चेक करें आपने सही सुनाई है या नहीं, इसी तरह से दूसरे वर्ड्स को भी देख लें।
आपने कोई एक वर्ड यूज़ किया और लिखा और पीछे मीनिंग लिखी, वो बार बार ख़ुद को सुनाएं कि आप सही सुना रहे हैं नहीं सुना रहे। उसके अलावा गूगल पे जाकर क्विज़ देखें या ऐप्स अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, GRE वोकेबुलरी क्विज़। तो वो बार क्विज़ आप जब एक के बाद आपके वर्ड्स पूरे हो गए तो एक ही आपसे रिवीजन नहीं हो रही तो क्विज़ खेलें। क्विज़ खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें आपको सिनोनियम्स का भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, सिनोनियम्स एंटोनियम्स की बात करते हैं, तो आप कोशिश करें कि अगर एक वर्ड पढ़ें तो उसके सिनोनियम्स देखते जाएं। या इस तरह से भी आप कर रहे हैं कि अगर आपने अलग रजिस्टर बनाया हुआ है, आपने कोई वर्ड पढ़ा है तो उसके आप आगे जाके पढ़ रहे हैं तो उस वर्ड के देखें कि सेम मीनिंग निकल रही है तो सिनोनियम्स वहाँ पे लिख लें। या इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने एक वर्ड पढ़ा और वो सर्च करके कि इसके सिनोनियम्स क्या हैं, वो सारे आप नोट डाउन कर लें और साथ में कोशिश करें कि मेमोराइज करते जाएं कि इसके सिनोनियम्स हैं। फिर आपको एंटोनियम्स का खुद ही आइडिया हो जाएगा कि नहीं, ये इसका सिनोनियम है तो ये इसका एंटोनियम ही होगा। लेकिन अगेन, आपने एंटोनियम पे भी फोकस करना है कि इसके एंटोनियम क्या हो सकते हैं। और अगर यूट्यूब वीडियोस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो निमोनिक के साथ होती हैं, कुछ ऐसे ही होती हैं। अगर आप वो वीडियो चलाकर और फिर आपने एक दफ़ा ए के या बी के अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स मेमोराइज कर लिए हैं, वो वीडियो चलाएं, पास करें वो वर्ड आए, तो आप ख़ुद ही अपने आप को बताएं कि इसकी मीनिंग ये होगी। आगे जाकर देखें कि इसकी मीनिंग वाकई में यही है। और आप अभी मेमोराइज़ कर रहे हैं तो काफ़ी सारी निमोनिक के साथ वीडियोज़ हैं। GRE में मैम रानी की वीडियोस अच्छी होती हैं जो सिनोनियम्स के साथ बताती हैं। ठीक है, ये इनकी पूरी वीडियो सीरीज़ पड़ी है जो सिनोनियम्स के साथ बताती हैं, एंटोनियम्स के साथ बताती हैं। इस तरह से आप ऐसी वीडियोस देखें, इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये थी मेरी तरफ से यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स, जो अगर आप डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। और कोई मसला नहीं, 3000 वर्ड्स हों, 4000 हो, 5000 हो, आपको मेमोराइज़ हो जाएंगे। अगर आप GRE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें तो आपको बहुत ही ज़्यादा एज मिलेगी, लेकिन अगर आप ये वर्ड्स मेमोराइज़ कर देते हैं एक बार, तो फिर आपका जब भी कोई गवर्नमेंट का वन पेपर MCQ बेस्ड टेस्ट हो या उसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जो आपके MCQs आते हैं एंटोनियम्स और सिनोनियम्स के, उसमें भी आप जस्ट एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे, आपको बार बार वो हर जगह पे काम आएंगी। लेकिन अगेन, मैं जो बार बार कहती हूँ कि आपने डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस के साथ आपने जो टारगेट सेट किया है, गोल सेट किया है 4000 वर्ड्स मेमोराइज करने का, 5000 वर्ड्स मेमोराइज करने का, आपने वो टारगेट अचीव करना है। कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस हार्ड वर्क होता है। और आपके ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काम तो आ सकती हैं, लेकिन अगेन ये शॉर्टकट्स नहीं हैं, आपने मेमोराइज़ करने हैं। और दूसरा ये कि आप, ज़रूरी नहीं कि आपकी मेमोरी में 4000 वर्ड्स रिटेन हो, लेकिन GRE में भी MCQs बेस्ड होते हैं और बाकी जो एग्ज़ाम्स आते हैं, टेस्ट आती हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसमें भी MCQs बेस्ड होते हैं। अगर आपको सारे वर्ड्स रिटेन नहीं हो रहे लेकिन आपके इतने ज़्यादा मेमोराइज किए हुए वर्ड्स, तो आपको आइडिया हो जाता है। अगर आपको उस एक क्वेश्चन में से एक वर्ड दिया हुआ है और उसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये दो तीन तो इसके सिनोनियम्स नहीं हैं, तो ये हो सकता है। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। Thank you.